नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब शुरू होने वाला है वो शो जिसका हर रोज आपको बेसब्री के साथ इंतजार होता है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब आपका अपना शो, हर आम आदमी का शो। घंटी बजाओ मतलब वो शो जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और सिस्टम से हर जरूरी सवाल पूछता है। आज घंटी बजाओ में सरकार की रोजगार नीति और रोजगार योजना पर गंभीर सवाल होंगे। जब से सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है, ऐसा लग रहा है मानो देश का हर पथ ही अग्निपथ बन गया हो। युवाओं का आक्रोश और गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान हो रही हिंसा की घटनाएं आंदोलनकारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन सवाल सरकार से इसलिए ज्यादा है क्योंकि युवाओं में पनपते गुस्से का वक्त रहते समाधान क्यों नहीं निकाला जाता। आप सोचिए, कई राज्यों में समय पर भर्ती परीक्षा नहीं होती, कहीं होती है तो धांधली हो जाती है, कहीं होती है तो नतीजा नहीं आता, कहीं नतीजा आ जाए तो नियुक्ति पत्र के लिए युवाओं को 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल मार्च करना पड़ता है। तो घंटी बजाओ की यह खास पड़ताल देखिए और बेरोजगारों की समस्या का समाधान न निकाल पाने वाली सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। तो क्या यही हताशा युवाओं को हिंसा के रास्ते पर धकेल रही है? क्या नौकरी के इंतजार ने युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है? क्या बेरोजगारी की मार ने छात्रों को दंगाई बना दिया है? ये क्या तरीका है? पिछले 2 दिनों से देश के तमाम राज्यों में और खास तौर से बिहार में जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है वो पूरी तरह गलत है। ट्रेन को आग लगा देना, रेलवे स्टेशन को फूंक देना, बसों को जला देना, आम लोगों की जान खतरे में डाल देना, पुलिस पर पथराव करना, ये किसी समस्या का हल नहीं हो सकता और ना ही ऐसा करने से किसी को नौकरी मिल सकती है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? क्योंकि सवाल सिर्फ सेना की नई भर्ती प्रक्रिया के विरोध का नहीं, ये सवाल है उस बेरोजगारी का जिसने इतने युवाओं को सड़कों पर उतरने का मौका दे दिया। इनका तरीका गलत है, पर जिनका सही है उनके लिए कौन सी सरकार क्या कर रही है, ये जानना भी जरूरी है। भारत माता के, भारत माता के। हाथ में तिरंगा लेकर सड़क के एक किनारे लाइन लगाकर आगे बढ़ते इन नौजवानों को देखिए। ये ना कोई हिंसा कर रहे हैं, ना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पिछले 17 दिनों से इसी तरह पूरे अनुशासन के साथ लगातार पैदल चल रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि इन्हें इनका हक मिल जाए, सरकार इनकी बात सुन ले। लेकिन हुआ क्या, किसी ने इन पर ध्यान भी नहीं दिया, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। जून की तपती गर्मी में पैदल चलते चलते इनके पैरों में छाले पड़ गए, कोई पूछने तक नहीं आया। एक जून को नागपुर से शुरू हुआ इनका पैदल मार्च जब मध्य प्रदेश के सागर पहुंचा तो एक लड़की चलते चलते बेहोश हो गई। देखिए कैसे वो जमीन पर बेसुध पड़ी है और इसे ये सजा इसलिए मिली क्योंकि ये अपने हक की नौकरी की मांग कर रही है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अर्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए SSC GD की 2018 की परीक्षा पास की, मेडिकल टेस्ट में भी फिट पाए गए, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी जब इन्हें नियुक्ति नहीं मिली तो उन्हें इस पैदल मार्च पर निकलना पड़ा। जो हम लोग मेडिकल फिट युवा है जो इस वर्दी के खातिर भटक रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो जो 4000 वैकेंसी अब तक फिलअप नहीं हुई वो 4000 वैकेंसी हम लोग को दी जाए,
ये हम लोग की मांग। सवाल है कि क्या सरकार इनकी मांग सुनेगी या फिर ये यूं ही चलते रहेंगे और नौकरियां बांटने का दावा करने वाली सरकारें सोती रहेंगी। जैसा राजस्थान में हो रहा है, ये वो बेरोजगार हैं जो एक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं में घोटाले का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं को सही तरीके से कराया जाए। पर सरकार ने क्या किया? पुलिस भेज दी। शांति से धरना दे रहे लोगों को लाठी के दम पर उठा लिया गया। उन्हें इस तरह घसीट कर ले जाया गया जैसे वो कोई अपराधी। राजस्थान में हर दूसरे दिन इस तरह का हंगामा होता है। इसकी वजह है कि बेरोजगारी की संख्या के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। फिर भी यहां की सरकार नौजवानों को नौकरी देने के लिए कुछ करती नजर नहीं आ रही। राजस्थान में सरकार और प्रशासन के नकारेपन का ही नतीजा है कि पिछले 4 सालों में एक भी भर्ती परीक्षा ठीक से नहीं हो पाई। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की बात करें तो ये आंकड़ा तकरीबन 65 लाख का है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2019 में ये बजट घोषणा की थी कि हर साल 75,000 बेरोजगारों को राजस्थान सरकार नौकरी देगी, लेकिन अब तक की अगर बात की जाए तो मई 2022 तक महज 1,20,000 युवाओं को ही नौकरी दी गई है। अब सरकार चुनाव में जाने से पहले लगभग 1.5 लाख रोजगार के साधन मुहैया कराने का दावा कर रही है। सरकार के झूठे वादों की पोल खोलते इन लोगों से मिलिए। ये वो नौजवान हैं जो 10-10 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें एक नहीं बल्कि कई सरकारों ने ठगा है। पहले इन्हें इस भरोसे के साथ ठेके पर काम दिया गया कि जल्द ही नौकरी पक्की कर दी जाएगी, लेकिन साल दर साल बीतते रहे, नौकरी पक्की होना तो दूर, ठेके का काम भी खत्म कर दिया गया। अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मदर फादर गांव में रहते हैं, यहाँ पे एक कमरा लेके रहता हूँ। तो यहाँ अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी नौकरी है? CMHO के अधीन मेरी नौकरी है और 2 महीने पहले ही अभी क्या है कि वहाँ पर मान्यता स्टाफ आ गया तो वहाँ से हटा दिया गया सर। अभी वर्तमान में बिल्कुल बेरोजगार हूँ सर, बस ये नौकरी का ही आस है। उसके 2018 में हमारी भर्ती निकली थी और अब तक क्लियर नहीं हुई। 10 मई को मंत्री जी अनुमोदन करके भर्ती हमारे पहले से पोस्ट बना के पूरी पोस्टिंग लिस्ट तैयार करके और स्वास्थ्य भवन के अंदर भेज दी गई है डायरेक्टर नॉन गजेटेड के पास, वहाँ से फिर अब ये कि सूची जारी नहीं कर रहे। सतीश कुमार 2013 से जयपुर के SMS अस्पताल में संविदा कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। 8 साल में उनकी तनख्वाह सिर्फ 800 रुपए बढ़ी, पर इस उम्मीद में काम करते रहे कि नौकरी पक्की हो जाएगी। अब वो उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है। कमोबेश यही हाल उनके बाकी साथियों का है। 915 की लिस्ट जारी हो गई थी, परंतु लिस्ट जारी होकर 2-2.5 महीने हो गए, उनको आज तक पोस्ट नहीं दी। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा है, 2 बच्चे हैं, बीवी है। तो ये बताएं, आपकी शादी हो गई, घर परिवार है और अब आपको 7200 रुपए मिलते हैं, तो कैसे चलता है घर? घर से खर्चा पानी घर से लेके आते हैं। नहीं, मैं घर पे डेली अप डाउन करता हूँ, उसी में किराए में हो जाता है, यहाँ कमरा लेके रह नहीं पाते। सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये भर्ती जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है जो लास्ट स्टेज पे है, अभी जो इसकी POP बनी हुई है, 1.5 महीना हो गया, अगर ये दे देती है तो हमारा परिवार का पालन पोषण कुछ तरीके से हद तक। अच्छा ये बताइए, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप तो ओवर एज हो जाएंगे? ओवर एज तो प्रेजेंट टाइम है ही, 45 के हो चुके हैं। 2010 से SMS में कार्यरत हूँ सर। महीने के 6,000 से 8,000 रुपए की अस्थायी नौकरी करने वाले ये सभी लोग मुश्किल हालातों से जूझ रहे हैं और इन हालातों ने अब इनकी हिम्मत तोड़ दी है। लास्ट यही है कि या तो घर वालों को मारेंगे या खुद मरेंगे, इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं। अब रोशन सैनी जैसे ऐसे बहुत से युवा हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घर बार जमीन तक बिक गया, अब घर के नाम पर केवल एक झोपड़ा बचा है और वो भी कर्ज के तले दबा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि राजस्थान में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को लेकर राजनेता और सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है। राजस्थान के हर जिले में
ऐसे नौजवानों की फौज खड़ी हो गई है जो एक के बाद एक सरकारी नौकरी की परीक्षाएं देते जा रहे हैं, लेकिन नौकरी का नंबर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हर परीक्षा किसी ना किसी विवाद में घिर जाती है। जी सर, मैंने अभी पटवार, आरएस मेंस, उनके अलावा एसआई की भर्ती दी है, उसके अलावा कांस्टेबल की दी है। अब इनमें क्या हो रहा है कि जो भी राजस्थान गवर्नमेंट नहीं उसको गवर्नमेंट आई है, उनके आने के बाद जितनी भी भर्तियां हैं उनमें भ्रष्टाचार घोटाला हुआ। तो कभी परीक्षाएं समय पर नहीं होती, परीक्षा हो जाती है तो उसका नतीजा समय पर नहीं आता, कभी नतीजों को लेकर विवाद होता है और मामला कोर्ट में अटक जाता है, और सब कुछ ठीक रहता है तो सरकार नियुक्ति देने में देर कर देती है। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, आंकड़े गलत है, आंकड़े जहां से जारी हुए हैं बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं। मैं इतना कह सकता हूं राजस्थान रोजगार देने में सबसे आगे खड़ा है, और जब रीट का एग्जाम हुआ तब हमने आगे बढ़कर एग्जाम कैंसिल किया, बच्चों का दोबारा फॉर्म भरिए, क्योंकि पहला ऐसा स्टेट है जो करप्शन में और नकल में किसी भी कीमत पे बिल लाकर इनको रोकना चाहता है। सच ये है कि राजस्थान में सिर्फ एक साल में 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने के कारण हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी सालों से कई भर्तियां अटकी हुई है। सवाल है कि भर्तियों को अटकाने वाले इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? युवाओं के साथ कैसे मजाक हो रहा है उसकी बानगी ये रिपोर्ट है। दिन रात पढ़ाई करने के बाद पूरी उम्मीद के साथ इम्तिहान देने वाले छात्र को अगर रिजल्ट ही वक्त पर ना मिले, और वो भी तब जब ग्रेजुएशन और पीजी जैसी बेहद जरूरी डिग्री का सवाल हो, तो नौजवान नौकरी कैसे करेगा, करियर कैसे बनाएगा? पूरे बिहार में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लाखों छात्रों का यही हाल है, और नीतीश कुमार के राज्य में इन दिनों हर तरफ छात्र इसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। घंटी बजाओ में एक खास रिपोर्ट और देखिए, और 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की घंटी बजाइए। जिंदगी बर्बाद करना है तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आके नामांकन करवा लो। बच्चों पे एक शिक्षक कैसे पढ़ाई होगा यहाँ पे? यहाँ का क्या कैरियर होने वाला है बच्चों का? ये 4 तस्वीरें पूरे बिहार का हाल बता रही हैं। इसी तरह जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य के साथ खेल हो रहा है। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में सभी कोर्सों के सेशन देरी से चल रहे हैं, नतीजे वक्त पर जारी नहीं हुए, जिससे बेवजह इनकी जिंदगी की कीमती हर साल में एक और साल बेवजह जुड़ता जा रहा है। ये तस्वीरें हैं दरभंगा की, जहां हजारों छात्र नारेबाजी करते हुए हाथों में झंडे बैनर लिए दरभंगा म्यूजियम से स्टेशन आयकर चौक होते हुए पहुंचे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बंद गेट को भी तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इसके पीछे बड़ी गंभीर समस्या है जो इनके भविष्य से जुड़ी है। अगर ये विश्वविद्यालय हमें 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं देगी तो हम लोग, हमारा भविष्य तो बर्बाद होगा ना। मैं रोता हूँ, मैं रात भर सोचता हूँ, मेरे पिताजी एक किसान हैं, मुझे कमा के पढ़ाते हैं, क्या इसी चीज के लिए कि मेरे बेटे का 3 साल का डिग्री 5 सालों में मिले? मैं इसी चीज के लिए पढ़ता हूँ। और यही हाल बिहार की दूसरी यूनिवर्सिटीज का भी है। डिग्री में देरी और सत्र के भी विलंब से चलने की वजह से इस वक्त बिहार के अनुमानित 17,38,432 छात्र इससे प्रभावित हैं।
कोरोना से पहले साल 2019-20 के सत्र में पीएचडी के लिए 2699, एमफिल के लिए 270, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 1,20,941, अंडर ग्रेजुएट के लिए 15,33,941, पीजी डिप्लोमा के 2,615, डिप्लोमा 68,961, सर्टिफिकेट कोर्स 6,593 और इंटीग्रेटेड के लिए 3,284 छात्र कॉलेजों में भर्ती हुए और इस हिसाब से 17 लाख से ज्यादा छात्रों का इस विलंब के चलते करियर दांव पर लगा है। अब ये तस्वीरें देखिए, आरा के वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये कहना है कि वहाँ ना तो परीक्षाएं समय पर होती हैं, ना नतीजे समय पर आते हैं। तो ग्रेजुएशन जो 18-21 का सेशन है, 2022 शुरू हो गया है, लेकिन आज तक एग्जाम नहीं हो रहा है। और जब भी छात्र आते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे छात्रों का दूसरे यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं हो पाता है उसका सेशन लेट होने के कारण। हमारा सेशन 5 साल पीछे चल रहा है और मेन तो कोर्स भी नहीं कंप्लीट है हम लोगों का। हम लोग क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है कॉलेज में। इससे पहले दूसरे विश्वविद्यालयों का रुख करें, जरा इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज का हाल आंकड़ों से समझिए, जो बाकी यूनिवर्सिटीज की तस्वीर भी साफ कर देंगे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सत्र 2018-21 का अंडर ग्रेजुएट पार्ट 3 नहीं हुआ, अंडर ग्रेजुएट में 1 साल और पोस्ट ग्रेजुएट के सत्र में 1.5 साल की देरी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीजी 2018-20 की परीक्षा नहीं हो सकी, सत्र 2021-23 का नामांकन चल रहा है। मगध यूनिवर्सिटी में 3 साल के ग्रेजुएशन को 5 साल लग रहे हैं, 2020-23 ग्रेजुएशन के पार्ट 1, 2019-22 के पार्ट 2, 2018-21 पार्ट 3 की परीक्षा नहीं हुई, साल 2018-22 के पीजी की परीक्षा फाइनल में 2 साल का विलंब, सत्र में 1.5 साल का विलंब, पटना विश्वविद्यालय में सत्र में 6 महीने की देरी। नतीजों में देरी और लेट लतीफ सेशन पर शिकायत के बीच बेगूसराय के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध इस बात पर भी है कि यहां बिना परीक्षा लिए भी 3-3 सेमेस्टर पार करा दिए गए हैं। छात्रों ने यहां कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। जो 20-22 सेशन के 3 सेमेस्टर के छात्र छात्रा है वो बिना एग्जाम दिए और बिना रिजल्ट के द्वितीय सेमेस्टर में आए, पुनः द्वितीय सेमेस्टर में उनका नामांकन हुआ, फिर बिना रिजल्ट के उन्हें तृतीय सेमेस्टर में भेजा गया, बिना रिजल्ट के ही अगले क्लास में भेजा जा रहा है। मुझे लगता है कि पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय या दुनिया के किसी भी व्यवस्था में ऐसा देखने को आ रहा है कि बिना रिजल्ट के ही बच्चे 3-3 क्लास पास कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक हमें यह नहीं पता चला है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या मार्क्स लाए हैं। और राजधानी पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सामने की मेन सड़क पर थर्ड ईयर के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन इस बात पर है कि पार्ट थर्ड के फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है, जिसके बारे में बताने के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई समाधान नहीं निकाल रहा। यानी कुल मिलाकर बिहार का भविष्य ही खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि युवाओं के लिए नौकरी तलाशने का एकमात्र जरिया तो विश्वविद्यालयों ने मिटा दिया है और वो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। इसकी वजह से लेट होते सेशन और डिग्री के लिए पढ़ाई करने वालों के भी साल बर्बाद हो रहे हैं। मतलब सोचिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज का क्या मतलब जो समय पर ना परीक्षा ले पाए ना नतीजे घोषित कर पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में, मैं अखिलेश आनंद हूं। घंटी बजाओ के इस सेगमेंट में मुंबई की खबरें आपको दिखाएं, उससे पहले अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें। अग्निपथ को हो रहे बवाल को लेकर सरकार ने कल समीक्षा बैठक करने का फैसला किया है। अभी की ताजा जानकारी यह है कि इस योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के दौरे से लौट रहे हैं समीक्षा बैठक के लिए। वो कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। अग्निपथ को लेकर हो रहे विरोध के चलते थल सेना प्रमुख ने कल का हैदराबाद का दौरा भी टाल दिया है। हमारे साथ नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। नीरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है? आप बिल्कुल अखिलेश, सबसे पहली बात तो ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय अपने जम्मू कश्मीर दौरे के बाद आज लौट रहे हैं।
जम्मू से लौट रहे हैं और कल जो माना जा रहा है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सेना के तीनों प्रमुख हैं यानी कि थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख और साथ ही जो डीएम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अग्निपथ जो स्कीम है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कई राज्यों में इसकी आंख फैल चुकी है, तो उसको लेकर बैठक करेंगे कि किस तरह से इस मामले तक युवाओं तक कैसे पहुंचे, सेना रक्षा मंत्रालय किस तरह से पहुंचे, किस तरह से उनको समझाए कि ये स्कीम जो है उनके बेनिफिट के लिए है उसको लेकर। और साथ ही जैसे कि आपने बताया कल थलसेना प्रमुख का प्रोग्राम था डुंडीगल हैदराबाद में जहां पर पासिंग आउट परेड थी वायुसेना की, वहां उनको चीफ गेस्ट बनकर जाना था, वो उन्होंने रद्द कर दी है इसी बैठक। अच्छा नीरज छोटे में जरा जवाब दीजिएगा, कल देर रात आप ही ने ये खबर दी थी कि उम्र सीमा बढ़ा दी गई थी, तो कल जो बवाल हुआ माना ये गया कि शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ हो, अब ये जो समीक्षा बैठक की खबर आ रही है क्या इसमें फैसला बदला भी जा सकता है, कुछ फेरबदल भी हो सकता है? देखिए अखिलेश इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, सिर्फ इतना जानकारी दी गई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मीटिंग करेंगे सेना के तीनों प्रमुखों के साथ, लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि इस स्कीम को लेकर कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है। शुक्रिया नीरज राजपूत इस जानकारी के लिए आपका। अब अगली खबर, समंदर में डूब रही मुंबई को बचाने की जरूरत है और इसके लिए विकास के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध कामों की रफ्तार रोकनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही हमें इस खबर पर भी गौर करने की जरूरत है कि खाली वक्त बिताने के लिए जरूरी मुंबई के बीच मौत की सौगात बनते जा रहे हैं, बीच सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? आप देखिए राजेश त्रिपाठी और लता शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कितने सुरक्षित हैं मुंबई के समुद्री किनारे? कब तक ये किनारे मौत की दावत बनते रहेंगे? मुंबई के तटों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मुंबई से राजेश त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। समुद्र की लहरें जितनी लोगों को सुंदर लगती हैं, यही समुद्र मानसून के दिनों में लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है। मुंबई महानगर पालिका बीच सेफ्टी के नाम पर करोड़ों का हर साल बजट पास करती है, सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन होने वाली घटनाओं को देखते हुए अब मुंबई के बीचेस पर बीच सेफ्टी के नाम पर बीएमसी के ऊपर उठने लगे हैं सवाल। ये सवाल खड़े हो रहे हैं हाल ही में जुहू चौपाटी पर 3 बच्चों की डूबने से मौत होने की वजह से। हर साल मुंबई की नगर पालिका बीएमसी बीच सेफ्टी के नाम पर करोड़ों खर्च करती है, फिर भी इस जैसे हादसे नहीं रुक रहे। मुंबई की यही वो जुहू बीच चौपाटी है जहां 3 दिन पहले 3 लड़कों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। लोगों का आरोप था कि जुहू बीच पर ज्यादा लाइफगार्ड होते हैं, उन लड़कों की जान बचाई जा सकती थी। मुंबई के बीच सेफ्टी का जिम्मा मुंबई के फायर ब्रिगेड विभाग को दिया गया है। बीएमसी के चीफ फायर ब्रिगेड अधिकारी हेमंत परब के मुताबिक बीच सेफ्टी के लिए 10 करोड़ का बजट 3 सालों के लिए पास, लाइफ गार्ड और सुरक्षा बढ़ाने का दावा। सिर्फ इसीलिए नहीं कि बारिश की वजह से ये बजट दिया ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सर्विस है लाइफ गार्डिंग सर्विस 6 बीचेस पर हमारी है, जहाँ पर 93 लाइफ गार्ड पोस्ट किए हुए हैं, वहाँ पर हर साल उनको रहता है खर्चा, तो ऐसा हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है 3 साल के लिए, तो करीबन 10 करोड़ का वगैरह इस तरह का वहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जितने एक्सपेंसेस वहाँ पर होते हैं उनके उनका जो एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए इतना बजट दिया जाता है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के अंडर में आने वाले मुंबई के बीच क्या वास्तव में सुरक्षित हैं? इस पर हमने मुंबई के बीच की पड़ताल की जहाँ पर बहुत ही कम लाइफ गार्ड नजर आए और बोट तो समुद्री किनारों से नदारद दिखे। बीच पर घूमने आने वाले लोगों से भी हमने बात की जो बीच सेफ्टी को लेकर निराश नजर आए।
आपको लगता है कि जो मुंबई के बीचेज यहाँ सुरक्षा आपको दिख रही है, सुरक्षा के नाम पर कुछ दिख रहा है? सुरक्षा तो देख रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। जितने लाइफ गार्ड होने चाहिए उतने नहीं है, हिसाब से थोड़ी उतना डर रहता है कि डूबने का भी। काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ बच्चे भी अंदर नहा रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनको जाने से रोकना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या आपने ऑब्जर्व किया यहाँ जूहू चौपाटी पर आए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं? लाइफ गार्ड तो घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी को रोक नहीं रहा है, जो मन चाहे वो अंदर जा रहे हैं। जो यहाँ पर पर्यटक घूमने आए हैं, जो लोग यहाँ पर लोग हैं उनकी बातें हैं, जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी ये एहसास हो रहा है कि लाइफ गार्ड यहाँ पर कम है, सुरक्षा के कम इंतजाम है, जो लोग अंदर जा रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा रहा है। हमने जुहू बीच पर कुछ लाइफ गार्ड से बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि यहाँ कितने लाइफ गार्ड तैनात हैं, तो किसी ने 25 बताया, किसी ने 15, लेकिन हमने पैदल चलकर दूर तक पड़ताल की जिसमें बहुत ही कम लाइफ गार्ड नजर आए। क्या मुंबई के जुहू बीच पर सुरक्षा के इंतजाम है? क्या जितने पर्याप्त लाइफ गार्ड होने चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं? आप देखिए कि दो लाइफ गार्ड हैं यहाँ पर, ये वॉक कर रहे हैं, लेकिन ये समुद्र का किनारा जो है बहुत दूर तक है, और शायद कि जो दो लाइफ गार्ड जो यहाँ पर हैं वो इस चीज़ को जो है देख पाएँ और सुरक्षा के इंतजाम कर पाएँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जुहू बीच पे कितने लाइफ गार्ड इस समय मौजूद हैं? लाइफ गार्ड है इधर 25 लाइफ गार्ड है, 25 लाइफ गार्ड है। कहाँ से कहाँ तक? ओ कोलीवाड़ा से गोदरेज तक। लेकिन अभी मैंने बहुत यहाँ से यहाँ तक मैंने सर्च किया, लेकिन केवल दो ही लोग आप मुझे दिखे हैं। पॉइंट रहता है पॉइंट, लेकिन दो ही लोग आप नजर आ रहे हैं। ये लाइफ गार्ड हैं जुहू बीच पे, इनका मानना है कि इस जुहू बीच पर 25 लाइफ गार्ड मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ से काफ़ी दूर तक गया देखा, लेकिन सिर्फ दो ही ये लाइफ गार्ड हैं जो यहाँ पर नजर आए। इसी तरह मुंबई के वर्सोवा बीच की सुरक्षा की हमने पड़ताल की, जहाँ लाइफ गार्ड बैठे आराम करते नजर आए। समुद्र के किनारे दिखी तो सिर्फ गंदगी। मुंबई का यह है वर्सोवा बीच, इस बीच पर आप देख रहे हैं कि गंदगी का तो भरमार है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पर कोई लाइफ गार्ड नहीं दिख रहा है। ये भी बीच जो है अक्सर जो है मानसून के दिनों में खतरनाक हो जाता है। बताया जाता है कि जैसे कि ये एक लाइफ गार्ड का वहाँ पर है, वो एक बैठने के लिए आसियाना बनाया गया, अब देखिए कि वहाँ पर जो लाइफ गार्ड है वो बैठा हुआ है, जबकि उसे समुद्र किनारे ड्यूटी पर होना चाहिए। वैसे ही और भी दूर तक अगर मैं समुद्र के किनारे की बात करूँ तो दूर, बहुत ही दूर जो है लाइफ गार्ड खड़े नज़र आएंगे। जैसे कि मैं एक दूर तक वहाँ दिखाऊँ कि देखिए पीली टी शर्ट में कुछ लोग खड़े हैं, बताया जा रहा है कि वो लाइफ गार्ड हैं। मुंबई में हर साल समुद्री तटों पर हादसे होते हैं, मौत होती है, लोग यहां आकर महफूज नहीं, लेकिन फिर भी सिस्टम इसे लेकर टाल मटोल का रवैया रखता है। बहुत जल्द मुंबई में बरसात शुरू हो जाएगी, समंदर के पानी का स्तर बढ़ जाएगा और इसी के साथ बढ़ जाएगी तटों पर आने वाले लोगों की असुरक्षा। सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे की चेन की स्थापना करने वाले वीजी सिद्धार्थ की जिंदगी पर एक फिल्म बन रही है। हमारे संवाददाता रवि जैन की खास रिपोर्ट। वीजी सिद्धार्थ, जिन्होंने पहली बार भारत में कॉफी चेन की नींव रखी, उनकी जिंदगी पर बनने वाली बायोपिक कॉफी किंग नाम की किताब पर होगी। अमूमन किसी किताब के प्रकाशित होने और उसके लोकप्रिय होने के बाद ही उस पर फिल्म या सीरीज बनाने के बारे में सोचा जाता है, मगर कॉफी किंग के प्रकाशन से पहले ही उस पर आधारित एक बायोपिक बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इस बायोपिक को बनाने का जिम्मा उठाया है टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार और ऑलमाइटी मोशन पिक्चर की प्रवलीन कौर संधू ने। देश भर में कॉफी कैफे डे की रेस्तरा की चेन की स्थापना करने वाले वीजी सिद्धार्थ की साल 2019 में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अचानक घर से लापता होने के बाद वीजी सिद्धार्थ की लाश एक नदी में पाई गई थी। बाद में पुलिस ने अपनी तहकीकात में पाया कि वीजी सिद्धार्थ की मौत किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि सुसाइड का मामला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एन कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ की पहचान सीसीडी चेन ऑफ रेस्तरा के संस्थापक और एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर हुआ करती थी। पुलिस ने अपनी जाँच के दौरान उनकी लाश को उनके घर से लापता होने के दो दिन बाद मंगलुरु में एक नदी के पास बरामद किया था। फॉरेंसिक जांच में भी इस बात की तस्दीक हुई थी कि वीजी सिद्धार्थ की मौत
एक हत्या या हादसा नहीं बल्कि एक आत्महत्या का मामला है। गहन जांच में यह भी पता चला कि वीजी सिद्धार्थ पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था और इसी दबाव में आकर उन्होंने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया था। वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े को कैफे कॉफी डे कंपनी के सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया, जिन्होंने नियुक्ति के फौरन बाद कंपनी को फिर से कर्ज मुक्त कंपनी बनाने का ऐलान किया था और ऐसा करके भी दिखा दिया था। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। देश में बाजार गिरने का दौर लगातार जारी है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसे लेकर घंटी बजाओ की टीम ने बाजार विशेषज्ञों से बात की। रिपोर्ट देखिए। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। निवेशकों को लाखों करोड़ का नुकसान सहना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में शेयर बाजार की क्या हालत होगी और आखिरकार क्यों लगातार भारतीय शेयर बाजार गिर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ एपी शुक्ला जी हैं। शुक्ला सर, सबसे पहले तो ये सवाल, अगर क्यों आखिरकार भारतीय बाजार गिर रहे हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगातार गिरावट देखी जा रही है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बाजार में गिरावट काफी समय से लगातार हो रही है और उसका प्रमुख कारण जो रहा है इंडियन मार्केट में ही नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में, उसका प्रमुख कारण यह है कि यूक्रेन के साथ में जो युद्ध हो रहा है उसका परिणाम है कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ रहे हैं। उसकी वजह से बाजार लगातार जो है गिरावट पे हो रहा है। और दूसरा जो है, आप ये देखेंगे कि उस युद्ध की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं, अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मूवमेंट में, जो कमोडिटी के प्राइजेज हैं सब ज्यादा कमोडिटी पे इफेक्ट देख रहे हैं। गेहूं नहीं मिल रहा है, खाने की चीजों के बहुत अभाव है, तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, चाहे खाने का हो चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, इन सब चीजों का जो प्रभाव इकोनॉमी पे पड़ रहा है उसकी वजह से बाजार में लगातार गिरावट है। घंटी बजाओ में कल रात 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। सिटी जानिए, कोरिया सिटी। हाँ, कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर।
जो तुम्हें यहां तक ले आया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।